भारी तामझाम के साथ राहगीरों की प्यास बुझाने की शुरुआत 24 घंटे भी नहीं चल पाई। उद्योग मंत्री ने किया था नेक काम का उद्घाटन, वह उद्घाटित होकर ही रह गई। देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट में। शहर के कुछ चुनिंदा व्यापारियों ने मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री स्थानीय विधायक से राहगीरों को पानी दिलाने के नेक काम की शुरुआत करने का शायद आग्रह किया होगा। तभी सोमवार को मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, शहर के साईं बाबा मंदिर पर पानी पिलाने जैसे पूर्ण वाले काम का आगाज किया। इसमें उनका साथ दिया महापौर रीवा व शहर के व्यापारियों के एक वर्ग ने, जो मंत्री जी के आसपास अक्सर दिखाई पड़ते हैं। नेक काम था, सबने सराहा, लेकिन नतीजा निकला पिछले वर्ष की तरह का। यहाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहले देखिए रीवा दर्शन पर प्रसारित वह रिपोर्ट जो पानी पिलाने के उद्घाटन के अवसर पर प्रकाशित हुई थी। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने वाले लोगों को शीतल पेयजल मुफ्त में मिल सके और उन्हें पैसे से पानी न खरीदना पड़े, इसे देखते हुए खुशी फाउंडेशन द्वारा पिछले कई वर्षों से शहर के विभिन्न चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था करवाई जा रही है। इस तेज गर्मी को देखते हुए सोमवार को साईं मंदिर के पास से इसका शुभारंभ उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान महापौर ममता गुप्ता, सरदार प्रहलाद सिंह सहित सिंधु समाज के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्याऊ की व्यवस्था व्यापारियों की संवेदनशीलता का प्रतीक है, यह एक सराहनीय पहल है। देखा आपने, उत्साह उमंग के साथ एक शानदार योजना का आगाज, जो महज 24 घंटे में योजना ही बनकर रह गई। यह हम नहीं, ठीक 24 घंटे बाद उसी जगह के दृश्य कह रहे हैं जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपको ही तय करना है, यह योजना किसी दबाव में प्रारंभ की गई थी या फिर मंत्री जी को खुश करने के लिए एक दिन ही तामझाम था। जिस जगह से इसकी शुरुआत की गई थी वहां पर शीतल पेयजल के डब्बे तो नजर नहीं आए, वहां पर नजर आया धन्यवाद का बोर्ड। और जिन राहगीरों के लिए प्याऊ खोला गया था वही लोग पानी की टंकी में पानी पीते नजर आए। जी आए थे उद्घाटन करने, आज पानी यहाँ पर नहीं दिख रहा, क्या बात? नहीं आया, कल मंत्री जी थे और भारी भाजपा के भारी नेता थे, उस समय तो करीब 12 डिब्बे 15 डिब्बे थे। कल आज एक डिब्बे कोई पता नहीं आया। यहाँ उद्घाटन के कारण मंत्री जी को दिखाने के लिए 15-20 डिब्बे धर दिए, आज एक डिब्बे नहीं। ये राजद शुक्ला जी का बहुत अच्छा नियम है, रीवा में गर्मी चल रही है और चारों तरफ पानी का निवेदन दिया गया था और मंदिर में खास करके भक्तों को लिए दिया गया था कि भाई यहाँ पे ठंडा पानी, जो भी तीर्थयात्री आएगा, कोई भी सज्जन आएगा तो ये है कि ठंडा पानी पिएगा। मगर कल उद्घाटन था, कल उन्होंने पियाए हैं, अब आज धूप चल रही है, आज इनकी फोटो बस लगी है और पानी की कोई पता नहीं है। जिम्मेदार कौन आएगा? कल आए, माला अर्पण करे, हो गया, दिखाएं अपनी फोटो, बहुत लोग आए चले गए, अब क्या करेंगे? अब सब लोग अब है तो पानी पीते हैं वाला, जो अपने मंदिर का है शुद्ध पानी है, बाकी वो ठंड का पानी लेके आए थे तो ठंडा पानी तो रुक देंगे।